Assalamualaikum. Second year English. Practice assignment. Conversion of direct into indirect. Or we have to say this one. Change the narration. पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है. He said. Said का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में. He said life is not an empty drum. जिंदगी एक खाली ढोल बेकार की चीज़ नहीं है. यूनिवर्सल ट्रुथ है. यूनिवर्सल ट्रुथ का ज़माना प्रेजेंट से पास्ट में तब्दील नहीं होगा. तो आइए इनडायरेक्ट बनाते हैं. ही यानी सब्जेक्ट एज इट इज रहा. सेड जो है वो अगर जुमला सादा जुमला है, जुमला हाँ में ना में या कोई स्टेटमेंट है, तो सेड जो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था वो टोल्ड में तब्दील हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट लगाइएगा. ही एज इट इज रहा. सेड टोल्ड में तब्दील हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट लगाया. बाकी ये जुमला जो यूनिवर्सल ट्रुथ था ये पास्ट टेंस में तब्दील नहीं होगा. लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रम. इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए हमने देखा कि सब्जेक्ट ही एज इट इज रहा. सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था वो टोल्ड में तब्दील हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके हमने दैट लगाया और फिर ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आ गया क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. जब कोई हैबिट या यूनिवर्सल ट्रुथ शो हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्टेट में तो जमाने को पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करते. दूसरा सेंटेंस ही सेड टू मी. ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. गो अवे फ्रॉम हेयर. हेयर स्पेसिफिक वर्ड है जो देयर में तब्दील हो जाएगा. गो अवे फ्रॉम हेयर यहां से दूर चले जाओ एक तरह से हुक्म है या डायरेक्शन. अगर हुक्म लेंगे तो सेट टू ऑर्डर में तब्दील होगा क्योंकि टाइप ऑफ सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखकर फैसला किया जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे तब्दील किया जाए. ही सब्जेक्ट एज इट इज रहा. सेट टू ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड में तब्दील हो गया. और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, डायरेक्शन हो, एडवाइज हो या सजेशन हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके टू लगाते हैं. पिछले सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट लगाया था क्योंकि जुमला एफर्मेटिव था. इस जुमले में इंपेरेटिव सेंटेंस है. गो अवे फ्रॉम हेयर यहां से दूर चले जाइए. गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर यहां से दफान हो जाइए. हुक्म दे रहा है तो सेट टू ऑर्डर्ड में. ही सब्जेक्ट एज इट इज रहा. सेट टू ऑर्डर्ड में तब्दील हो गया. मी ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके टू लगाएंगे. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो अवे फ्रॉम और हेयर जो है वो देयर में तब्दील हो गया. हम रूल्स को बताते हुए इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ होगा तो उसको भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. नाउ देन में, हेयर देयर में, दीज दोज में. तो ही सेड टू मी गो अवे फ्रॉम हेयर. गो अवे फ्रॉम हेयर यहां से दूर चले जाइए अहकामात हैं, हुक्म है. तो सेड टू ऑर्डर्ड में. ही एज इट इज रहा. सेड टू ऑर्डर्ड में. मी ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था का टू लगाया. टू के बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो गो ही रहा. गो अवे फ्रॉम हेयर देयर में तब्दील हो गया. तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम हेयर ये नरेशन तब्दील हो गया. तीसरा सेंटेंस जो आज हम डिस्कस करेंगे. द पियन सेड टू मी. प्यून ने मुझसे कहा सर
सर का मतलब है रेस्पेक्ट शो हो रहा है। मे आई गो डाउन स्टेयर्स, क्या मैं सीढ़ियों से नीचे जा सकता हूं, एंड हैव अ टॉक विद माई सिस्टर, और क्या मैं अपने सिस्टर से बात कर सकता हूं। सेंटेंस मे से शुरू हो रहा है और सर भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो आज रिस्पेक्टफुली हो जाएगा। सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि सवालिया जुमला है। मे यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाया जा सकता है आस्किंग सेंटेंस में। द पीएन रेस्पेक्टफुली, सर का लफ्ज हटाइए, रेस्पेक्टफुली, सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क है, आज सेट टू हट गया, सेट टू हट गया, सेट टू हट गया, तो सर हटा के रेस्पेक्टफुली लगाया और क्वेश्चन मार्क की वजह से आज लगाया। द पीएन रेस्पेक्टफुली आज, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर इफ लगाएंगे क्योंकि सवालिया जुमला किससे शुरू हो रहा है, मे से, ऑक्सिलरी वर्ब से। इफ आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से सब्जेक्ट पीएन है, तो ही आई जो है वो पीएन के लिहाज से ही हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के पास फॉर्म मे का पास्ट टेंस माइट हो गया। इफ ही माइट मे या माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ ही माइट गो डाउन स्टेयर्स, क्या वो नीचे जा सकता है, एंड अब क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में था तो हैज या हैव हैड में तब्दील होगा। एंड हैड अ टॉक विद, बोलने वाला पीएन यानी ही है, वो कह रहा है माय सिस्टर, आई या माय सब्जेक्ट के लिहाज से हीज हो जाएगा, आई या माय फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन की रिलेशन, आई माई मी सब्जेक्ट के लिहाज से सब्जेक्ट पी एन है तो ही हिज हिम, तो माई यहां पे हिज में तब्दील हो जाएगा कि बोलने वाला पी एन है ही है, तो आई से माई ही से हिज, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट तब्दील होगा, सब्जेक्ट पी एन है, पी एन ही है तो ही से हिज हो जाएगा, हिज सिस्टर। आई हम देखते हैं कि तब्दीली किस तरह हुई। पीएन सेड टू मी या पियोन सेड टू मी, सर मे आई गो डाउन स्टेयर्स एंड हैव अ टॉक विद माई सिस्टर, यहां पे क्या तब्दीली हुई, सर से शुरू हुआ था और सवालिया जुमला था, तो सवालिया जुमला हटाकर सेड टू चेंज किया आज में और सर हटाकर रेस्पेक्टफुल में। द पीएन रेस्पेक्टफुली आज, सवालिया जुमला ऑक्सिलरी वर्ब में से शुरू हुआ था तो इफ लगाया कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर, इफ आई जो है वो ही में तब्दील हो गया, मे जो है वो माइट में तब्दील हो गया, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माइट गो डाउन स्टेयर, एंड हैव जो है वो हैड में तब्दील हो गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में तब्दील हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव हैड में तब्दील हो जाएगा, एंड हैड अ टॉक विद माई सिस्टर की जगह हिज सिस्टर, क्योंकि कहने वाला पी एन या ही है तो आई से माई होता है, ही से हिज हो जाएगा। द पी एन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही माइट गो डाउन स्टेयर, उसने इजाजत तलब की, परमिशन ली, एंड हैड अ टॉक विद हिज सिस्टर, क्या तब्दीली हुई, सेट टू तब्दील हो गया रेस्पेक्टफुली आस्क्ड में,
क्योंकि इज्जत से पूछ रहा है, एहतराम से पूछ रहा है, और सवालिया जुमला, सवालिया जुमला शुरू हो रहा है मे से, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाका इफ लगाए। अगर सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाकर इफ लगाइए, और अगर सवालिया जुमला डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाकर कोई रिप्लेसमेंट इफ नहीं लगेगा। यहां पर मे से शुरू हो रहा है तो इफ लगाइए। आई जो है वो सब्जेक्ट पीएन है, ही में कन्वर्ट हो गया, मे का पास्ट टेंस माइट हो गया, हैव का पास्ट टेंस हैड हो गया, माय सिस्टर की जगह हिज सिस्टर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी व्हाट अ बिग लाई इट इज, कितना बड़ा झूठ है, हैरत का निशान है, सादा जुमला है। व्हाट अ बिग शॉट, व्हाट अ नाइस पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये दंग रहने वाली हैरत होती है। इस सूरत में एक्सक्लेमेशन साइन हटाकर एस्टोनिश लगा सकते हैं। शी एस्टोनिश्ड, उसने हैरत का इजहार किया। मी शी एस्टोनिश्ड मी, हैरत वाला सादा जुमला दैट लगाते हैं, लेकिन यहां डब्ल्यू एच वर्ड है तो दैट की जरूरत नहीं है। शी एस्टोनिश्ड मी, व्हाट अ बिग लाई इट, और इस का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वो, ये यूं भी कर सकते हैं, व्हाट अ बिग लाई इट वॉज कॉमा शी एस्टोनिश्ड मी, दंग रहने वाली हैरत हो तो सेट टू हटाकर एस्टोनिश्ड या एक्सक्लेम लगाइए। शी सब्जेक्ट एज इट इज रहा, मी ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा, क्योंकि हैरत वाला जुमला व्हाट से शुरू हो रहा है लिहाजा दैट लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ बिग लाई इट इज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, इट वॉज, ऐसा जुमला जिसमें हैरत का इजहार हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ मार्वेलस शॉट, ऐसे जुमले में सेट को हटाकर एस्टोनिश लगाइए। अगर वो व्हाट से शुरू हो रहा है तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है रिप्लेसमेंट में। व्हाट अ बिग लाई इट इज, इट वॉज हो जाएगा, इज वॉज में तब्दील हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड वुड दैट आई वर, विल हो तो वुड हो जाता है, वुड हो तो वुड हैव हो जाता है, वॉज या वर हैड बीन में तब्दील हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड दिस दैट में तब्दील हो जाएगा। आइए तब्दील करें, ही वुड दैट, काश के ऐसा होता, काश में सेट टू अडाकर टोल भी आ सकता है, वेस्ट भी आ सकता है। ही वेस्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अडाकर दैट कॉमा वुड, विल है तो वुड होगा, वुड है तो वुड हैव के बाद, वुड है आई जो है बोलने वाले के लिहाज से, ही वॉज या वर हैड बीन में, वॉज या वर हैड बीन में, वॉज या अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वॉज या वर हो तो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, विल है तो वुड में और वुड पहले से है तो वुड के बाद हैव लगा दिया जाएगा, वुड हैव ही हैड बीन द ऑनर ऑफ दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट फैक्ट्री। सेट की जगह वेस्ट आ गया क्योंकि उसकी ख्वाहिश है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा डाका दैट आ गया, वुड के साथ हैव लग गया, विल है तो वुड में और वुड है तो वुड हैव में, आई जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से ही हो गया, वॉज या वर हैड बीन में कन्वर्ट हो गया, दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट हो गया। ये तब्दीलियां हैं जो नरेट कर रहे हैं हम डायरेक्ट।
ही विश दैट कॉमा वुड हैव, काश के ऐसा होता, ही हैड बीन द ऑनर ऑफ दैट फैक्ट्री, के ये वो जो है वो उस फैक्ट्री का मालिक होता। अगला सेंटेंस सवालिया जुमला और कैन से शुरू हो रहा है, इफ लगाया जाएगा, कैन या कुड से शुरू वाले जुमले में इफ लगाया जाएगा। सवालिया जुमला है, आई सेड टू, आगे क्वेश्चन मार्क है तो आज में, आई आज हर कॉमा इनवर्ट कॉमा का इफ, इफ के बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से ऑब्जेक्ट हर है, यू की शख्सियत ऑब्जेक्ट हर हो तो शी में हो जाएगी। कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाएगा। आई आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प। अब यहां क्या है, मी है, मी फर्स्ट पर्सन का रिलेशन है, सब्जेक्ट आई है तो मी ही रहेगा, मी आई को देखकर मी रहेगा। इफ शी कुड हेल्प मी वेर, द असाइनमेंट ASINMENT, क्या तब्दीली रोनुमा हुई, गौर से देखिए, सवालिया जुमला था और शुरू हो रहा था कैन से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा का इफ लगाया है, सवाल पूछ रहे हैं तो सेट टू की जगह आज, आई सेट टू आज में तब्दील हो गया, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा, कॉमा इनवर्ट कॉमा इफ लगाया, इफ के बाद यू जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से ऑब्जेक्ट हर है तो शी में, कैन का पास्ट टेंस कुड हो गया, मी ही रहा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई माई मी रिलेशन तब्दील नहीं हुए विद द असाइनमेंट। तो सवाल जुमला क्या बना, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प मी विद द असाइनमेंट, क्या वो इस असाइनमेंट में मेरी मदद कर सकती है, मेरा साथ दे सकती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।